जमशेदपुर में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के न्यू बारेडी स्थित टाटा कंपनी के क्वार्टर से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने इसकी सूचना थाने को दे दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि तकरीबन 1:30 बजे रात वह सोने चली गई थी, जिसके बाद चोरों ने उनके घर पर स्प्रे कर आराम से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि सुबह नींद खुली तो देखा कि घर के 3 तालों को तोड़कर चोर चोरी कर फरार हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चोर इतने आराम से चोरी करके गए और रात का बचा हुआ खाना भी खाकर गए हैं। पड़ोसी ने बताया कि इस क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर लगभग 3 से 4 घरों में चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस से आग्रह किया गया है कि क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाई जाए ताकि चोर चोरी के घटनाओं को अंजाम न दे सके। रात हम 1 बजे तक हम जगे थे, फिर हम 1:30 बजे सो गए। सोने के बाद मेरे को कुछ नहीं पता। फिर 4:30 बजे हम जब उठे तब देख रहे कि पूरा मेरा दरवाजा फरवाजा सब कुछ तोड़ के चोर घुसा था। फिर मेरे को तो बहुत ये डर लग गया। फिर मेरा हस्बैंड नाइट शिफ्ट ड्यूटी में गए थे, फिर हम फोन किए। फोन करने के बाद सब लोग आया था, मेरा हस्बैंड का कलीग लोग ये भैया लोग सब आया था। आने के बाद पता चला कि ये पार्स से जितना पैसा था वो सब लेके गया। मेरा 12 साल का बच्ची है वो भी थी, हम लोग दोनों सोए थे। वो खिड़की खोल दिया, हम लोग जिस बेडरूम का जो खिड़की था वो वाला खोल दिया। फिर ये मेरा स्प्रे किया, ऊपर वेंटिलेटर से स्प्रे किया था, इसीलिए मेरे को कुछ पता नहीं था। क्योंकि मेरा सुबह उठने के बाद अजीब सा फील हो रहा था, मेरा उल्टी लग रहा था। इसके बाद हम ये किए, देखे कि क्या क्या चोरी हुआ। मेरा पर्स में 3,000 था, वो भी गया। किनके घर में होने वाला था तो बच गए, जैसे मैडम के घर में भी हुआ था तो ये उठ गई थी 1:30 बजे। इनका तो सिलेंडर वगैरह छत पे ले के जा चुका था। तो देखिए और भी लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, ओलो भी अपना स्तर से खोजबीन करता ही है, लेकिन मेन है एडमिनिस्ट्रेशन टाटा स्टील का जी। उनको अपने एम्प्लॉयमेंट की चिंता होनी चाहिए। ये जो डोर सब है आप लोग देखिएगा, सारा देखिए फ्रंट सब ओके है, पर जो डोर है पीछे वाला आराम से लोग जंप पकड़ के जा सकते हैं। अगर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन टाटा स्टील का यहाँ कुछ वेंटिलेटर में एक तो सिक्योरिटी टाइप में कुछ ग्रिल वगैरह दे या पीछे दरवाजा वगैरह को जो ऊंचा कर दे उसका बाउंड्री। जमशेदपुर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।